अरे सुधा सन जी कहाँ चल दिए? अरे देखे रुकी है, अरे रुकी है, रुकी है। भगवान काहे किया है सब? ये सब हमने पूरी फैमिली के लिए किया है, समझेगा? ये सब तुमने परिवार की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपने लाडले बेटे प्रिंसू की खुशी के लिए किया है। नहीं चाहिए हमको तुम्हारी ऐसी गंदी कमाई। ठीक है जाइए जाइए सुदर्शन जी जाइए, हम भी देखते हैं कितने दूर जाते हैं। आज आपको ये पाठ करते सुन हमें भी अपने उदन याद आ गए। कौन याद बिटिया? हमारे घर के मंदिर में भी गीता की किताब है, हमारे पापा ने हमारे 16वें जन्मदिन पे हमें दी थी। तब से रोज हम गीता का पाठ करते थे, पर अब तो वो किताब हमारे बिना अकेली ही पढ़ गई होगी। चलिए गीता जी चलिए, वही गीता जो है उन राक्षसों के बीच में अकेली है। हम यूं गए और यूं आए। अरे पर रघु देखो। नहीं मैं हम अपनी पहली परीक्षा देने को तैयार हैं। भूर गा रहे हो? ओ वाइफ है तुम्हारी समझेगा, और इन दोनों की मदर। अब चलिए ये नौटंकी बंद करिए और घर चलिए, खाना खाइए। अरे ये रोड तो हमारे घर को जाता है। ये रघु कौन लड़की के साथ था? वो भी वो लड़की मुंह छिपाए बैठी थी। चलिए गीता जी जल्दी जाइए और जो उन काम आप करने आए हैं वो फटाफट कीजिए। जल्दी से रखो पकड़ के देखे जरा। चलो बेटा। चलिए अब देखिए, आपने कहा वो रघु गीता का बॉडीगार्ड है, इसका मतलब ये है कि गीता वो रघु के साथ आजकल उसके घर में रह रही है। अब गीता वांटेड लिस्ट में है, तो बस पुलिस को भुनिया के रघु के बारे में इंफॉर्म कर देते हैं। अरे चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यही टपका देंगे। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया। आप आने ले जाने की कोनो जरूरत नहीं है, आप कहें तो यही इसका मामला फिनिश कर दें। बहुत माल मिलेगा साहब, मालनी मैडम ने कहा है। बहुत है बढ़िया, देर से ही सही हथियार उठाई लिए आप। हाँ हे बबलू भैया, अरे लेके जाओ इनको, जाओ फटाफट जल्दी फटाफट, चलो चलो चलो। बहुत हो गया अभी, अभी जो हथियार है इसको हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा। कहा है ना गीता जी, आगे की लड़ाई जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अरे रघु भैया अभी तो असली पुलिस वाले आ रहे हैं, वो भी गीता जी को ढूंढते हुए, वो भी सर चौड़ा उनके साथ। हम कुछ हेल्प करें का? कौन कौन चीज में? अरे सेफ खोलने में और काहे में? अरे जहां माल देखा नहीं तो वहां झपट्टा मार। मम्मी जी